अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू कुकिंग विजन। आपके साथ शेयर कर रहे हैं शावरमा बनाने की कंप्लीट रेसिपी। आपके उसके लिए चिकन चाहिए बोनलेस हाफ के जी, उसमें 1 टेबल स्पून चिकने अदरक लहसुन का पेस्ट डाल लेना है। 1/2 टेबल स्पून आपने इसमें किसी भी काली मिर्चें, 1 टेबल स्पून कुटी हुई लाल मिर्च, 1/2 टेबल स्पून नमक, इसके बाद 3 टेबल स्पून आपने चिली सॉस ऐड कर देना है और 3 टेबल स्पून इसमें सिरका ऐड करें और 2 टेबल स्पून इसमें सोया सॉस ऐड कर देनी है। 1/2 टेबल स्पून पिसी हुई लाल मिर्च और 1 पिंच आपने जर्दे का रंग ऐड करके इसे अच्छे से मिक्स करें। इसमें तकरीबन 4 टेबल स्पून कुकिंग ऑयल डाल के इसी के पानी में आप इसे तकरीबन 15 मिनट्स के लिए पका लीजिए। आपको इसकी ब्रेड बनाने का तरीका बता दें। आपने 2 टेबल स्पून ईस्ट लेनी है, इसके अंदर आपने 2 टेबल स्पून ही चीनी ऐड कर देनी है। नीम गर्म पानी इसमें 1/2 कप डालना है। 2 टेबल स्पून ड्राई मिल्क ऐड कर दीजिए, थोड़ा सा नमक तकरीबन 1/2 टेबल स्पून और 3 कप आपने मैदे के अंदर इसे अच्छे से मिक्स कर लेना है। इसके बाद आपने इसमें कुकिंग ऑयल डालना है 3 टेबल स्पून और इसे भून के आपने इसे कवर करके तकरीबन 2 घंटे के लिए रख देना है। हमारा आटा जो है इसकी डो रेडी है। आपने इस तरह इसे इसके छोटे छोटे से पेड़े काट लेने हैं। इक्वल साइज़ के आप इसके पेड़े बना लीजिए। इसके बाद आपने 1 बाय 1 करके इन सब को बेल के एक साइड पे रखते रहें ताकि ये राइज हो सके। आपको मैं इसकी सॉस बनाने की रेसिपी बता दूं। इसके लिए हमने 1 कप मायोनीज ली है, 1/4 कप हमने इसके लिए केचप लिया है, 1/2 टीस्पून पिसी हुई काली मिर्ची, 1 टीस्पून इसके अंदर चीनी डाली है, 1 टीस्पून ही इसके अंदर मस्टर्ड पेस्ट डाला है, 2 टेबल स्पून चिली सॉस और 2 टेबल स्पून ही सोया सॉस डाल के आप इसे अच्छे से मिक्स कर लीजिए। हमारी सॉस रेडी है। अब आपने जो बेल के रखी हुई थी रोटियाँ उसे एक नॉन स्टिक पैन में ग्रीस करने के बाद इसको गर्म करें और इसके अंदर डाल के आप अपनी रोटी तैयार कर लीजिए। देखिए हमारी शावरमा ब्रेड रेडी है। पहले से तैयार हुई चिकन हमारी इसके ऊपर आप ब्रेड के ऊपर रखिए। इसके ऊपर आपने बारीक कटी हुई बंद गोभी, प्याज, शिमला मिर्च और ऑलिव्स आपने कटे हुए डाल देने हैं। इसके ऊपर आप शावरमा सॉस डालीजिए, केचप डालें और मज़ेदार आपका शावरमा रेडी है। इंजॉय करें, मुझे अपनी दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।